झारखंड के पूर्व खेल मंत्री और चंदन कियारी से बीजेपी के विधायक अमर कुमार बावरी और हटिया विधायक नवीन जायसवाल आज सुजीत मुंडा के घर पहुंचे। वही सुजीत मुंडा जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप खेलने जाने वाले हैं, सुजीत मुंडा को अमर बावरी और नवीन जायसवाल ने सम्मानित किया। साथ ही उनके पत्नी और पिताजी को भी सम्मानित किया गया। अमर बावरी और नवीन जायसवाल ने सुजीत मुंडा को आश्वस्त किया कि वह हर परिस्थिति में उनके साथ है। सम्मानित करने के साथ साथ दोनों विधायकों ने मिलकर सुजीत मुंडा को आर्थिक रूप से मदद भी की। उसके बाद दोनों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि जो हीरा खदान के अंदर छुपा हुआ था और अपने मेहनत से अपने बलबूता इंडियन टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए चयनित हुआ, तो ये कहीं ना कहीं भगवान ने इनसे कुछ लिया है तो ईश्वर ने चार गुना इनको लौटाया है। और सुजीत मुंडा जी क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ही तेज गेंदबाज भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं और अभी T20 इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बैंगलोर जा रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग कैंप है और अभाव के जीवन और संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। जब मीडिया के माध्यम से पता चला तो आज हम और अमर बावरी जी दोनों यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने पहले वो खेल मंत्री भी थे और हम लोगों ने सोचा कि ऐसे नौजवान जो हमारे क्षेत्र के बगल का ही है, उसको सभी जनप्रतिनिधि हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनके दायित्व तो है कि उनको जाके मॉरली बूस्टअप किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और ये इनको हम लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, इन्होंने झारखंड को सम्मान दिया है। आज जिस फील्ड में ये गए हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं और 140-145 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, तो बुमराह के लेवल का बॉलर के रूप में ये बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनका भविष्य उज्जवल होगा। और जो कमियां हैं, आज इनके पिताजी से बात हुई है, हम लोग मिलके इनको सरकार से जो सहयोग होगा अपना स्तर से जरूर प्रयास करेंगे। और खेल मंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है सरकार से कि ऐसे खिलाड़ी जो झारखंड में अभी आप देखते होंगे कि अंडर 19 में जिस तरह से फुटबॉल में अष्टम नाम रोशन कर रही है, हॉकी में खूटी सिमडेगा की हमारी बच्चियां नाम रोशन कर रही हैं, आप देखेंगे कि रातू की दीपिका कुमारी तीरंदाजी में नाम रोशन कर रही हैं, महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड का नाम पूरे विश्व में ख्याति उन्होंने दिया है। तो झारखंड प्रदेश संघर्षों का प्रदेश है, यहाँ की माटी में एक ताकत है और यहाँ के माटी में जो खिलाड़ी जो निकल रहे हैं, अगर सरकार उनको और प्रशिक्षित करे, उनको मौका दे, उनकी चयन की प्रक्रिया को और अच्छे से लाए, तो मुझे लगता है आने वाला समय जिस तरह से हरियाणा पंजाब ये सब खेल के मामले में नंबर वन रहता है, तो झारखंड केवल खदान से नंबर वन नहीं रहे, झारखंड खेल में भी आगे रहे, ऐसी मेरी मानना है। और इसी शुभकामना मैं देता हूँ सुजीत मुंडा जी को, उनके पूरे परिवार को और जहाँ भी होगा हम लोग इनको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत खुश है सर कि सर लोग आए और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भी हम यही आशाएं रखेंगे सरों के साथ और जरूर हम वर्ल्ड कप में फाइनल जीत करके आएंगे, फिर दोबारा सर से मिलेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ही खबर मिली है और आप लोगों के समाचार चैनलों से ही खबर मिली है कि सुजीत के इतने बड़े अचीवमेंट के बारे में आप लोग नहीं बताते तो शायद इतना पता भी नहीं चलता। और बहुत सुखद बात है कि रांची का लड़का आज अपने क्लास में, अपने इवेंट में जो क्रिकेट होता है, उस क्रिकेट में ऑलराउंडर के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त कर रहा है और बहुत सारे देशों का अपनी ही ताकत से, लोगों की मदद से इसने खेला भी है और वापस T20 के लिए अभी वर्ल्ड कप होना है इंडिया के अंदर, उसमें भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इनका पूरा जो हम लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है वो आगे और भी भविष्य में बढ़ने के बहुत क्षमता है। और दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी रांची को मिला है अपने स्पेशल इवेंट्स में, हम लोगों की पूरी शुभकामना है कि आगे बढ़े और स्पेशली चैलेंज्ड हो करके अगर इतने गरीबी में भी और इतने मैं कहते मुफलिसी में भी अगर यदि इन्होंने अपना हिम्मत धरा है और अपने जीवन साथी भी उनके साथ जो उनकी संगनी है वो भी स्पेशली चैलेंज्ड ही है, दोनों ही ने मिल करके जिस तरह से
लोग अपने कमियों को लेकर के कोसते रहते हैं, उसमें इन्होंने जो एक उदाहरण पेश किया है, मुझे लगता है सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, प्रेरणा देने वाला भी है। और हम सबकी पूरी शुभकामना है कि T20 वर्ल्ड कप जीत करके जाए और मैन ऑफ द सीरीज बन करके जरूर आए, और हम सबकी पूरी शुभकामना है। हम लोग इनका स्वागत करें, बहुत धन्यवाद। और आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने ऐसे गुदड़ी के लालों को आगे बढ़ाने के लिए। और इधर मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोग अपने माध्यम से ऐसे तमाम हमारी प्रतिभाएं झारखंड के अंदर में जो छिपी हुई है उनको आगे लाने का काम करिए। आप लोगों की भूमिका के लिए भी मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूं, और सरकार से भी ये कहता हूं कि भी इनके जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करिए। कल एक सुखद खबर था कि पहली बार इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम के साथ वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी सेम फी मिल दे करके उनको इक्वली एक जगह किया गया। उससे चले स्पेशली चैलेंज जो लोग हैं ये भी क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको भी आगे बढ़ने का मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।